दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली में जश्न का माहौल और जश्न आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर चल रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नारी दे दी। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारी, लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया, लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, जीते उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली, अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूँ, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूँ, मैं सबका सहयोग चाहता हूँ। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुनके आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब
अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी, अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है, 2 करोड़ लोग हम सारे मिलके। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एमसीडी के दंगल में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। हालांकि बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी,